सेवा दल की स्थापना हुई थी। सेवा दल के सभी अपने स्थान पर पिछले 95 सालों में जो देश में सेवाएं दी हैं उसका विस्तार करने के लिए मुझे खुशी है कि एक यंग सेवा दल हम लोगों ने चालू किया है। सेवा भाव, इस प्रकार के काम करने की जो संकल्प है सेवा दल का, उसको हम लोग और बढ़ाना चाहते हैं। जब जब देश में कहीं पर संकट आया है, प्रकृति का प्रकोप पड़ा है या कभी समाज में संकट आया है, सेवा दल के साथियों ने हमेशा श्रमदान किया है, योगदान किया है और कठिन से कठिन चुनौती में लोगों की सेवा करने के लिए, समर्थन करने के लिए आ गया है। आज यंग सेवा दल के लोगों का एक प्रशिक्षण शिविर है, ये लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाएंगे और अच्छे कार्यकर्ता के रूप में बनकर, जैसा हम कहते हैं ये हमारे सफ़ेद सैनिक हैं और नेहरू जी के समय से इस संगठन काम कर रहा है। इसको एक नई दिशा देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी ने किया है, वो आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तो उस कार्यक्रम में शामिल होने पर मुझे खुशी हुई है और युवाओं के अंदर एक सेवा दल के प्रति एक अच्छी भावना बने और नौजवान लोग इससे जुड़ें, ये हमारे शिविर का एक उद्देश्य था। पालिका के चुनाव अभी 12 जगह उपचुनाव हुए हैं, उसमें से 10 जगह कांग्रेस पार्टी जीती है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में जब जब नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, एलपा इलेक्शंस, वहाँ पे लगातार कांग्रेस जीत रही है। मतलब लोग सरकार के काम से खुश हैं। अभी पंचायतों के चुनाव भी होंगे 2-5 महीने के बाद। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम अच्छा बहुमत लेकर ये जो पंचायत राज संस्थाएं हैं वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति और मजबूत। क्या आप मानते हैं कि धारा 370 का जिस तरह से माहौल बना है पूरे देश भर में,